Hello YouTube, this is Shubham Agrawal and you're watching Cyber Baba. So friend, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि यार recently अभी हमने अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। तो यार आज इस दिन को देखने के लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत मेहनत की है। आप अगर जाकर अभी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर देखेंगे तो वहां पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 3 अप्रैल 2016 को इस चैनल को क्रिएट किया था और आज 26 अगस्त 2018 को हमने फाइनली अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए हैं। तो यार यहाँ पर मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट के कारण आज हमारे इस चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। आज यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ क्योंकि यार इस ऑनलाइन फील्ड में मैं बहुत टाइम से हूँ, तो आज यहाँ पर मैं आपको अपनी असफलताओं के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स आपको इस माइलस्टोन तक पहुंचने तक आपको सफलताओं के बारे में बताएंगे, बट आज मैं आपको अपनी असफलताओं के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानकर हो सकता है कि आप मेरी तरह कभी धोखा ना खाएं। तो यार बात करते हैं हम 2015 की, जब मैंने अपना न्यू चैनल क्रिएट किया था जो कि था ऑफिशियल शुभम। तो यार उस चैनल पर उस टाइम मुझसे बहुत सारे क्रिएटर्स जुड़े थे। क्रिएटर्स तो हालांकि मुझसे आज भी जुड़े हैं, बट उस टाइम के जो क्रिएटर्स थे जिनके आज चैनल पर करीब 5 लाख करीब 7 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जब मैं यूट्यूब पर आया और मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, अब अच्छी तरह से मुझे ना तो यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में पता था ना ही गूगल के रूल्स, तो वहाँ पर कुछ मैंने ऐसी वीडियोस भी डाली जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ थी। हालांकि मुझे उस चैनल पर एक स्ट्राइक भी मिली, बट उस स्ट्राइक को जब तक मैं समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर 3 स्ट्राइक थी जिसके कारण यूट्यूब ने मेरा चैनल बंद कर दिया और आज की डेट है कि वह चैनल आज तक टर्मिनेट है। तो यार उस टाइम के बाद मैंने सोचा था कि अब यूट्यूब पर काम नहीं करेंगे और हम अपनी कैटेगरी को चेंज करेंगे, अब हम आएंगे वेबसाइट की तरफ। तो यार उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया था कि अब आगे यूट्यूब पर काम नहीं करना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेंचर की जो कि था भारतदर्शन.com। तो यार भारतदर्शन.com टूरिज्म पोर्टल था। एक्चुअल मैं पहले से ही टीम में काम करता आया हूँ और अभी भी मैं टीम में ही काम कर रहा हूँ। भारतदर्शन.com में हम लोग 4 लोग थे जो कि उस साइट पर काम कर रहे थे। हम लोगों ने उस साइट पर 2 साल रेगुलर काम किया। इंडिया की सबसे ज़्यादा टूरिज्म इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट बनाया उसे, बट लास्ट में बात क्या आई कि उस साइट को मुझे ऑफ करना पड़ा। अब उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था कि हम लोगों के पास इंडिया की टूरिज्म की तो इन्फॉर्मेशन थी, बट हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उस साइट को आगे मैनेज नहीं कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकेंड वेंचर की जो कि है kitablelo.com। तो इस वेबसाइट का क्या कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर आप ओल्ड बुक सेल कर सकते हैं, जो भी कॉलेजेस होते हैं या फिर सेमेस्टर वाइज जो भी बुक्स होती हैं या फिर जो क्यूबीज होती हैं, तो उन्हें आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल कर सकते थे। तो इस प्लेटफॉर्म पर भी हम लोगों ने काम किया, इस प्लेटफॉर्म पर भी हम लोगों ने बुक्स को ऐड किया, बट लास्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वह आती थी पैसे की। क्योंकि आप स्टार्टअप स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट उसे रेगुलर चलाने के लिए या फिर उसे आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे की ज़रूरत होती है। उसी पैसे की कमी के कारण हम लोगों ने अपना सेकेंड स्टार्टअप बंद किया जो कि था kitablelo.com। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेंचर की जो कि है फॉर्म वाले भैया। तो यार ये एक आइडिया बहुत यूनिक आइडिया था। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा कि जो MP ऑनलाइन होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए आपको अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको MP ऑनलाइन जाना होता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो आपको वहाँ के ऑनलाइन कैफेज या फिर जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाना होता है। तो इस वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट था वह यह था कि जो भी गवर्नमेंट्स के फॉर्म होंगे उन्हें हम इस वेबसाइट के माध्यम से फिल करेंगे। कॉन्सेप्ट इस फील्ड में बिल्कुल न्यू था। हम लोगों ने 2 दिन में इसकी वेबसाइट को डिज़ाइन किया, फाइनली फॉर्म वाले भैया को हम लोगों ने लाइक किया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम गई कि पहले दिन हम लोगों ने पासपोर्ट का काम किया। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि जैसे ही इस वेबसाइट को लॉन्च किया उसके कुछ टाइम के बाद ही EKYC का सिस्टम आ गया। अब अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट रिक्वायर्ड होंगे। तो यार इसके कारण हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म को भी क्लोज करना पड़ा। फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट फिर घुमा फिरा के ऑप्शन बचा वह था यूट्यूब। तो यार फिर मैंने अपने चैनल की शुरुआत की जो कि था साइबर बाबा। तो यार साइबर बाबा पर जो मैंने पहले वीडियोस डाली वह तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड थी। यहाँ पर हम C++, HTML, जावा कुछ इस तरह की वीडियोस बनाते थे। इसके बाद जब मैंने चेक किया कि यार इन वीडियोस पर रिस्पॉन्स, फिर मैंने एक न्यू कैटेगरी शुरुआत की जो कि था कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर आप अभी भी हमारी ओल्ड वीडियोस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियोस मिलेंगी।
बट इन वीडियोस पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर इसके बाद मैंने किसी एक सेपरेट कैटेगरी को छोड़कर मल्टीपल कैटेगरीज को ऐड किया। अब अपने चैनल पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता था, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर गेमिंग, ऑनलाइन अर्न मनी। तो इस तरह से हमने अपने चैनल पर करीब 297 के समथिंग वीडियोस बनाई और आज की डेट है कि हमने भी अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। तो यार इन सारी चीज़ों से जो मुझे सीखने मिला वह है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो अगर आप उस काम को रेगुलर करेंगे तो आपको उस फील्ड में ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा मेरे हिसाब से सफलता का और कोई सूत्र नहीं है। अगर आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल भी बनाएं। अगर आप ब्लॉग या फिर वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो आप ब्लॉग और वेबसाइट पर पाएं, क्योंकि जल्दी हमारा भी न्यू वेंचर लॉन्च होने वाला है। आपको एक नई वीडियो में डिटेल में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आगे हम किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो हमने ऑफिस चेंज किया है, इसका भी मैं आपको एक कंप्लीट टूर देने वाला हूँ। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में एक बार फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो यार आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #cyberbaba।